Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट. क्लियर? तो पहले हमने जो लेक्चर में, इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट के बारे में स्टडी किया है. आज हम बात करेंगे नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट की. ठीक है, तो जो बैकग्राउंड नॉइज़ है इसको प्लीज़ अवॉइड करें. आई ट्राइड माई बेस्ट कि इसको रिड्यूस किया जा सके, लेकिन आई फेल. ठीक है ना, तो प्लीज़ इसको जो है वो इसको अवॉइड करें और जो मैं बोल रही हूँ इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें. ठीक है, तो नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट में सबसे पहले आता है स्कॉर्बेट. जो हमने एंजाइमेटिक में पढ़ा था ना, वो स्कॉर्बेट पर ऑक्सीडेज था. ठीक है ना, यहाँ पे आया है स्कॉर्बेट. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए. स्कॉर्बेट होता है ASA, इसका जो होता है एब्रिवेशन, और स्कॉर्बेट पर ऑक्सीडेज का था हमारे पास APX. ठीक है, और ये इंजाइमेटिक था, ये नॉन इंजाइमेटिक है. क्लियर? तो स्कॉर्बेट बहुत अबंडेंट लो मोलिकुलर वेट एंटीऑक्सीडेंट है. अबंडेंट और लो मोलिकुलर वेट वेट एंटी ऑक्सीडेंट. ठीक है, अबंडेंट होता है और इसका मोलिकुलर वेट भी बहुत थोड़ा होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल प्लांट को प्रोटेक्ट करने में. ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से. ठीक है, तो ये स्कॉर्बेट ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को किससे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कौन सी? जो के ROS के हाई लेवल की वजह से होती है ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो उससे स्कॉर्बेट प्लांट को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है ना, सबसे पहले क्या बात की कि स्कॉर्बेट अबंडेंट लो मोलिकुलर वेट एंटीऑक्सीडेंट है और स्कॉर्बेट प्रोटेक्ट करता है प्लांट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से. ऐसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के लेवल से लेवल के ज़्यादा होने से होती है. ठीक है, तो स्कॉर्बेट एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. ठीक है ना, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. क्यों होता है, कोई कहे कि मैं पावरफुल हूं तो लॉजिक भी होना चाहिए ना, किस चीज में पावरफुल है. बोलने में पावरफुल है, लड़ने में पावरफुल है, किस चीज में पावरफुल है, खाने में पावरफुल है. तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है. ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन बहुत से एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन के में. ठीक है, डोनेट क्यों है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट? बिकॉज इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन ए नंबर ऑफ एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस. एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है स्कॉर्बेट. ठीक है, तो उसके अलावा ना इसके कुछ फंक्शंस हैं तो यहाँ पे अभी हम बताते हैं. ठीक है ना, यही मैं लिख देती हूँ कि स्पेस नहीं है इतनी इस बोर्ड के ऊपर. तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो कुछ इसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना. तो कौन कौन से हैं वो हमारे पास? ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और मेटाबॉलिज्म. ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है और मेटाबॉलिज्म है. ठीक है ना, ये स्कॉर्बेट की कुछ फंक्शंस हैं. क्लियर? तो नेक्स्ट अब हम नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट जो अगला है उसकी बात करते हैं. वो था ग्लूटाथायोन. ग्लूटाथायोन, तो ग्लूटाथायोन क्या है, ये ट्राइपेप्टाइड ग्लूटाथायोन इसको हम कहते हैं. ठीक है ना, तो ये एक बहुत लो मोलिकुलर वेट नॉन प्रोटीन थायोल है. ठीक है ना, तो ट्राइपेप्टाइड ग्लूटाथायोल. ठीक है,
क्या ये लो मोलिकुलर वेट थायोल है, लो मोलिकुलर वेट थायोल है, ठीक है। इनका वर्क क्या होता है कि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं इंट्रा सेलुलर डिफेंस के खिलाफ, ठीक है ना। इंट्रा सेलुलर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के लिए, जो इंट्रा सेलुलर डिफेंस जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के खिलाफ ये, ठीक है ना, ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट इंट्रा सेलुलर डिफेंस, ठीक है ना, ROS, ठीक है, ROS की रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के खिलाफ, क्योंकि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी क्या करती हैं, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज काज करती हैं, क्योंकि इनकी जब लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इनका बॉडी के अंदर तो ऑक्सीडेटिव डैमेज वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कि ऑक्सीडेटिव स्पीशीज है, इसीलिए हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गया वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके खिलाफ ये वर्क करते हैं ग्लूटाथायोन, ये रिएक्ट करते हैं केमिकली, ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ, ठीक है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं। और उसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजर भी इनको कहा जाता है, ठीक है, जो हमारे पास ग्लूटाथायोन है, ठीक है। तो ग्लूटाथायोन प्रोटेक्ट करते हैं बहुत से मैक्रोमोलिक्यूल्स को, जिसके अंदर हमारे पास आती है प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, ठीक है ना, प्रोटेक्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वाला, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड्स, ठीक है, और डीएनए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्लूटाथायोन की, हमने बात कर ली है, एक तो मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, ट्राइपेप्टाइड ग्लूटाथायोन, जो कि एक लो मोलिकुलर वेट थायोल है, ठीक है, वर्क क्या है, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं ROS के खिलाफ, हाइड्रोक्सिल रेडिकल के खिलाफ, ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड के खिलाफ, और एक फ्री रेडिकल स्कैवेंजर के तौर पर एक्ट करते हैं ग्लूटाथायोन, प्रोटेक्ट करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को, जिसके अंदर आता है प्रोटीन, लिपिड और डीएनए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ग्लूटाथायोन के बाद हम बात करते हैं टोकोफिरोल्स की, ठीक है। तो टोकोफिरोल की अगर हम बात करें तो ये एक लिपोफिलिक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है ना, टोकोफिरोल इज ए लिपोफिलिक, मतलब के लिपिड लविंग, लिपोफिलिक एंटीऑक्सीडेंट, क्लियर। तो लिपोफिलिक एंटीऑक्सीडेंट है जो स्कैवेंजिंग करवाता है किसकी, लिपिड परऑक्सी रेडिकल की, स्कैवेंजिंग इन्वॉल्व इन दी स्कैवेंजिंग ऑफ लिपिड परोक्सी रेडिकल्स, ठीक है, लिपिड परोक्सी रेडिकल्स की ये स्कैवेंजिंग करवाता है, ठीक है ना। तो टोकोफिरोल क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है लिपिड वाली मेम्ब्रेन्स को और दूसरी मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो ये मोस्टली प्रोटेक्ट करता है लिपिड वाली मेम्ब्रेन्स को, कहता है आ गया हूँ मैं तुम्हें बचाने, लिपिड मेम्ब्रेन्स को, अगर जब भी कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का अर्ज होता है तो ये जाकर उनको बचाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा दूसरी मेम्ब्रेन भी जो होती हैं उन पे भी तरस आ जाता है इसको, उनको भी प्रोटेक्ट कर लेता है टोकोफिरोल, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि ये जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है इसको ये मोस्टली प्रोटेक्ट करता है, क्लियर। और जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटेक्ट हो जाता है, स्ट्रक्चर किसका, फोटोसिस्टम टू का प्रोटेक्ट, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिस्टम टू है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन एंड फंक्शन दोनों प्रोटेक्ट करते हैं टोकोफिरोल,
ठीक है, फोटोसिस्टम टू, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टोकोफिरोल के बाद कैरोटीनॉइड्स की, ठीक है ना। हम बात करते हैं फोर कैरोटीनॉइड्स की, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये हमारे पास लिपोफिलिक एंटीऑक्सीडेंट है, लिपोफिलिक एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, ये भी जो है वो डिटॉक्सीफाई करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को, ठीक है ना। तो ये स्कैवेंजिंग करवाता है किसकी, सिंगलेट ऑक्सीजन की, स्कैवेंजिंग ऑफ द सिंगलेट ऑक्सीजन। सिंगलेट ऑक्सीजन किस तरह बनते हैं, ये सिंगलेट ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग जो होती है ना वो चेंज होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ऑक्सीजन, ठीक है। नॉर्मल ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पैरेलल स्पिन में मूव करते हैं, लेकिन सिंगलेट ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और इसका स्पिन बदल जाता है, ठीक है ना। इस केस में तो ये क्या करते हैं, कैरोटीनॉइड्स ये क्वेंच करते हैं एक्साइटेड क्लोरोफिल को। एक्साइटेड क्लोरोफिल वो होती है जिसने एनर्जी अब्सॉर्ब की होती है सन से, ठीक है ना। तो ये जब जब इसको क्वेंच कर लेंगे तो फिर सिंगलेट ऑक्सीजन नहीं बनेगा, क्योंकि एक्साइटेड क्लोरोफिल से ही नॉर्मल ऑक्सीजन एनर्जी लेता है, अपना स्पिन चेंज करता है और सिंगलेट ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कैरोटीनॉइड के बाद है फिफ्थ है हमारे पास फिनोलिक कंपाउंड्स, क्लियर। तो फिनोलिक कंपाउंड क्या है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्लियर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्लांट टिश्यूज के अंदर बहुत अबंडेंटली पाए जाते हैं। तो पॉलीफिनोल एक फिनोलिक कंपाउंड है, ठीक है ना। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो पॉलीफिनोल जो है ये एक फिनोलिक कंपाउंड है। तो ये क्या करते हैं, ये लिपिड की पर ऑक्सीडेशन बचाते हैं, ठीक है ना। पर ऑक्सीडेशन से रोकते हैं लिपिड की, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन से रोकते हैं लिपिड को मेम्ब्रेन्स के अंदर, ताकि किस तरह स्कैवेंजिंग करवा के लिपिड एल्कोक्साइल रेडिकल की स्कैवेंजिंग करवाते हैं, ये लिपिड एल्कोक्साइल रेडिकल्स की, और प्रिवेंट करते हैं किसको, लिपिड की पर ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।